हे गाइस, तो ये बस नया बैग मुझे मिला है और मैंने क्या किया कि इसका पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया था कल। और पासवर्ड चेंज करने के बाद मैंने जब इसको सही वही पासवर्ड से वापस अनलॉक करने के लिए ट्राई किया तो ये बैग अब खुल नहीं रहा है और मेरा सामान अंदर अटक चुका है। तो यूट्यूब पे बहुत सर्च करने के बाद मुझे ये मिला कि ये जो रिंग्स रहता है इनके पीछे एक स्लॉट रहता है, उस स्लॉट को हमें फाइंड करना है और फिर बस एक एक नंबर कम करते जाना है और फिर वो अनलॉक हो जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़ ये मेरे पास VIP का एरिस्टोक्रेट बैग है और इसके पीछे से आप देख सकते हैं ज़रा भी गैप नहीं है जिससे आपको स्लॉट दिखे। ठीक है, तो इसमें हिडन स्लॉट्स हैं और हिडन स्लॉट्स को फाइंड करना थोड़ा ट्रिकी है ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो नेगेटिव फोटोग्राफ रहता है उसको मैंने बस कट किया है और जैसे आप देख सकते हैं आपको सिर्फ एक ऐसा प्लास्टिक का हार्ड और बहुत ही बहुत पतला सा आपको कोई चीज़ लगेगा। मैंने ये फोटोग्राफ लिया है, नेगेटिव फोटोग्राफ, और इससे आपको हर स्लॉट में चेक करना है कि आपको वो वाला एग्जैक्ट स्पॉट मिल रहा है जहाँ पर वहाँ पर एक स्लॉट है। ठीक है, तो जैसे मैं नंबर 3 पे चेक कर रहा हूँ तो ये कम्प्लीटली राउंड राउंड मुझे शेप लग रहा है। नेक्स्ट नंबर पे चेक करते हैं तो ये स्टार्ट में थोड़ा सा अटक रहा है, तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्लॉट हो सकता है। हम क्या करेंगे, हम और एक डायरेक्शन से चेक करते हैं, क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम ये करोगे तो कभी कभी ये जो आपका फिल्म है, जो नेगेटिव फोटोग्राफ का फिल्म है, वो कोई और गैप में भी चला जाता है, तब वो बेंड हो जाता है। तो उस बेंड ये बेंड ना हो और आपको सही स्लॉट मिले इसकी जांच करने के लिए आपको ये सेवरल टाइम्स करना पड़ेगा। जब भी आपको सर स्लॉट मिले आप सेम नंबर पे करें, बाजू वाले नंबर पे करें कि ट्राई करें कि ये सही स्पॉट है कि नहीं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये नंबर 2 मुझे सही स्लॉट मिला था, तो हम सेकेंड नंबर पर जाते हैं जो कि टॉप से है सेकेंड वाला। तो यहाँ पर हम नंबर 5 पे फर्स्ट चेक करेंगे। तो नंबर 5 पे जैसे आप देख सकते हो कि स्टार्ट में थोड़ा सा अटक रहा है, मैं कंफर्म नहीं था कि यहाँ पर है कि नहीं, बस हम याद रख लेंगे वो नंबर और हम मूव ऑन कर लेंगे। तो नंबर 4 पे भी नहीं है, नंबर 3 पे भी नहीं है, नंबर 2 पे भी लग नहीं रहा है, नंबर 1 पे भी नहीं लग रहा है, 0 पे भी नहीं लग रहा है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ये सेकंड 2 बार 3 बार करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे स्लॉट मिल चुका है, ये नंबर 1 पे है। मैं फिर भी कंफर्म कर रहा हूँ कि ये राइट स्पॉट है कि नहीं, तो लग तो रहा है ये राइट स्पॉट है। तो अपन हमें 2 नंबर्स मिल रह चुके हैं जो है टॉप से फर्स्ट, टॉप से सेकंड, थर्ड नंबर फाइंड आउट करता है। ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट में मुझे बहुत दिक्कत दे रहा था, क्योंकि स्टार्ट में मुझे ज़रा भी समझ नहीं रहा था कि मैं सही स्लॉट मिल रहा है या नहीं है। कभी कभी ये फिल्म खुद ही बेंड हो जाती थी अलग डायरेक्शन में, लाइक स्ट्रेट नहीं, वो टेढ़ी हो जाते थे, तो तब भी हमें ऐसा लगता है कि स्लॉट है। बट आप फिल्म पे भी ध्यान दें कि फिल्म स्ट्रेट रहे और स्ट्रेट ही आपको स्लॉट मिलने चाहिए। तो जैसे ही आपको 3ों नंबर्स मिल जाएंगे आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है। जैसे मुझे 0 1 2 मिला था तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा 0 1 2, फिर उसके +1 करेंगे सब में 1 2 3, फिर वापस +1 करेंगे 2 3 4, और ये सारे कॉम्बिनेशंस हम इस लॉक पर एक एक करके ट्राई करेंगे। ध्यान रखें कि ये एक ऑर्डर में ही होना चाहिए। अगर आपने ज़रा भी ऑर्डर मिस कर दी या फिर गलत नंबर या फिर 2 नंबर बढ़ा दिए तो ये पूरा प्रोसेस आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा और आपको ये स्लॉट्स अलग अलग जगह पे मिलेंगे, क्योंकि एक बार आपने ये घुमा लिया तो ये स्लॉट्स चेंज होते रहते हैं, आपको वापस सेम जगह पे नहीं मिलने वाले। ओके, तो भाई खुल गया है, ये खुल गया है। मुझे तो बहुत मज़ा आया करते हुए। तो 7 8 9 पे खुल गया है, तो जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा 0 1 2 का जो स्लॉट था जो हमें मिले थे वो करेक्ट थे, और बस उन्हें मैं +1 +1 करना था और हर एक कॉम्बिनेशन हमें ट्राई आउट करना था।
बस ये एक बार मिल चुका है। बट इसके बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपका अनलॉक हो जाए उसी के बाद सेम टाइम पर जो अपना पुश बटन है उसको पुश कर कर, पुश या पुल जो भी है उसको पुल कर कर आप नया नंबर डाल दें और इसको रिसेट कर ले, या फिर उसका पासवर्ड, नया पासवर्ड सेट कर ले उसी टाइम। क्योंकि अगर आप सेकेंड टाइम सेम स्लॉट्स फाइंड करने के लिए ट्राई करोगे तो ये स्लॉट्स कोई और नंबर पे चले जाते हैं और वो सेम जगह पे नहीं मिलते। तो हर बार आपका पासवर्ड या फिर वो रीसेट वाला जो पासवर्ड कॉम्बिनेशन मिलता है हर बार वो अलग मिलने वाला है। इसलिए जब भी आपको कोई भी कॉम्बिनेशन पे अनलॉक हो जाए तो उसी समय सेम नंबर पे लॉक का बटन पुल करके नया नंबर सेट कर लो और बस उसी को यूज़ करते रहो। ये प्रोसेस बार बार ट्राई मत करो क्योंकि हर बार वो रिसेट वाला पासवर्ड चेंज होता रहने वाला है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बस सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आए। बाय बाय।